मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका को शादी का झांसा देकर अपने जीजा के साथ मिलकर रेप की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों ने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़ित युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने में पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए कार्यवाही की गुहार लगाई है। पुलिस ने घटना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की निवासी एक युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने में पहुंचकर गांव के ही एक युवक पर अपने जीजा के साथ मिलकर शीला पदार्थ देकर रेप करने का आरोप लगाया है। युवती ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ ही 4 साल से प्यार को था मेरा और उसका, साकिब का। 4 साल से उसने मुझे ये रखा था, मतलब बीवी, मतलब इसका सोर्स, मतलब बीवी के साथ में संबंध होता है, वो सब संबंध करता आ रहा था मेरे साथ में 4 साल से। अच्छा। हाँ, उसने मुझे बोल रखा था कि मैं तेरे शादी करूँगा, कोर्ट मरीज करूँगा। मैंने कहा अपने घर वालों को बताऊँगी मैं, तो उसने मुझे धमकी दी मारने की कि तेरे चार भाइयों को मार दूँगा और बाप को मार दूँगा अगर अपने घर वालों को बताया था, ऐसा कोर्ट मरीज करूँगा। अब कोर्ट मरीज का टाइम आ गया था, तो उसने मुझे अब से 27 तारीख में मुझे बुलाई घर से कोर्ट मरीज के बहाने से, कोर्ट मरीज के बहाने से आ जा। उसने, मैं वहाँ पर गई तो उसने मुझे अपने बहनों के घर ले गया आरिफ के, उसने वहाँ पर मुझे ले जाकर मेरे साथ में बलात्कार किया दोनों ने। मुझे पता नहीं क्या सुनाया उन्होंने, क्या वो करा उन्होंने, ये मैं जानती नहीं, लेकिन मैं अपनी होश में नहीं थी, जब मेरी आँख खुली तब देखा मैंने। फिर मैं, मतलब फिर मेरा घर छोड़ गया मुझे, ये कह के, मतलब 2 दिन का टाइम दे दिया मुझे। बहनों का क्या नाम था? आरिफ। अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए और यहाँ से आके आने के बाद मेरे से कोर्ट मरीज करे, उसे यहाँ पेश करो। और बहनों को क्या सजा होनी चाहिए? बहनों ने भी, उसको भी सजा होनी चाहिए दोनों को। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उन्होंने, उसने मेरे घर वालों के लिए छोड़ दी, मुझे कहीं के लिए नहीं छोड़ दी, तो अब आवेगा यहाँ कोर्ट मरीज होगा, नहीं तो जेल जाएगा फिर सारी उम्र के लिए। 4 साल से कर रहा था? 4 साल से कर रहा था। न उसने मेरा रिश्ता होने दिया, उसने मेरी शादी होनी थी कहीं भी, मुझे हर तरीके उसने बर्बाद कर दी करके बोल के कि मैं तेरे से कोर्ट मरीज करूँगा, और मुझे धमकी दे रखी थी। मेरी नंगी की वीडियो भी है उसके पास। क्या वीडियो, कोई वीडियो वायरल करने के कोई? हाँ, बोला था कि अगर, मतलब परसों ही बलात्कार किया अपने मेरे साथ 27 तारीख में, और ये बोला कि अगर तूने अपने घर वालों को बताया बहनों के साथ मिलकर, तो क्या तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा सब जगह, बदनाम कर दूँगा सब जगह। इसलिए मैंने अपने घर वालों से किसी से कुछ नहीं बताया। और फिर मैं अगले दिन 28 तारीख को मरने के लिए गई, मैं यहाँ से मरने के लिए गई कि कहीं जाकर मरूँगी, तो उसने फिर यहाँ से पुलिस को ले गया मेरे साथ। अब तुम थाने आई, पुलिस वालों ने मेरे पर दबाव डाला कि, मतलब कि उसके खिलाफ़ कुछ भी बात नहीं करी, उसने उसको पुलिस वालों को रुपए दे रखे थे, पुलिस वालों ने कहा कि उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, इसलिए मैं उसके खिलाफ़ नहीं बोली। अब तुम थाने आई हो, पुलिस क्या कर रही, क्या क्या कह रही है तुम? ये नहीं कह रही है कि परसों से तुम्हें मेरी वीडियो देखी है, वीडियो में और कुछ बोली है, बहुत कुछ बोली है, मेरे पर दबाव था, अब मैं अपनी होश मांगी, मैं सब कुछ बता रही हूँ, सच सच बता रही हूँ, जो ये सच है ये सब सच बता रही हूँ, उसे यहाँ पर पेश करो साकिब को। उसने टिकट करा लिया, परसों को फरार हो रहा है यहाँ से, वो जाना नहीं चाहिए यहाँ से, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके उसे कैसे जाने दूंगी मैं। ठीक। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।